नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुविता। आइए रुक करते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए। इस घोषणा पत्र में राज्य के किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सोच वादा करो तो निभाओ। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस ने चुनाव के ठीक 4 दिन पहले यह घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जातीय जनगणना का वादा किया है। ये भी कहा कि गांव में कारोबार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। 16 नवंबर को पार्टी की ओर से 80 पेज का संकल्प पत्र जारी किया गया था। इसमें भी रसोई गैस की कीमतों में कमी जैसे वादे किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ कांग्रेस मुख्यालय में ये जन घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसकी एक रिपोर्ट हमारे पास है, तो चलिए ये एक एक करके इन सभी वादों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही। 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी भी कांग्रेस पार्टी ने दी है। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कांग्रेस ने आगे अपने घोषणा पत्र में कहा कि उनकी सरकार ने कृषि बजट के तहत जो 12 मिशन शुरू किए हैं उनका विस्तार करके वह उन्हें 2 गुना करेंगे। पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे, जिसमें कर्मचारी धीरे धीरे सरकारी रिक्तियों में विलय हो जाएंगे और युवाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जहां भी ऐसे गांव की आबादी 100 से अधिक होगी उन्हें सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। सुशासन के लिए जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा फोकस किसानों, युवाओं और महिलाओं पर किया है। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने की बात कांग्रेस ने कही। जैसे हर गांव और हर वार्ड में महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति होगी। यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने की बात घोषणा पत्र में पार्टी ने की है। घोषणा बता दें, जो सबसे बड़ी घोषणा पत्र में बात कही गई है महिलाओं को लेकर, वो ये है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर परिवार की एक महिला सदस्य को साल में 10,000 की सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। वैसे घोषणा पार्टी की जीत के लिए सही साबित भी हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को ये काफी ज्यादा लुभावने वाला वादा पार्टी ने किया है। इसके अलावा राज्य द्वारा संचालित रोडवेज बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने युवाओं को अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरियों को देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि 5 वर्षों में
10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगी, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी। पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार संबंधी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर के साथ ही साथ ई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधा भी प्रारंभ करेगी। कांग्रेस ने किसानों को लेकर भी घोषणा की है, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने कॉरपोरेट बैंकों से 2 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त कर्ज देने का भी वादा किया, साथ ही एमएसपी पर कानून लाने की भी बात कांग्रेस ने की है। जी हाँ, सरकारी बैंकिंग से ब्याज मुफ्त ऋण सरकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुफ्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा पत्र में कही गई है। कृषि बजट के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रारंभ किए गए 12 मिशनों का विस्तार कर उन्हें 2 गुना करने, राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करने की भी बात पार्टी ने कही है। किसानों की जमीन कुर्क नहीं होने देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस दौरान पार्टी ने दावा किया कि हम राजस्थान की जनता के लिए अपने सारे वादे निभाएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने कहा, हम 2030 तक मिशन लेकर चल रहे हैं, उसे ही घोषणा पत्र का आधार बनाया गया है। एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस घोषणा पत्र के आधार पर जनता कांग्रेस को जनादेश देगी। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया।